प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात आम आगाम एक विशेष तात्पर्य बहन कर दिन तो गति के मन की बात। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। साथियों, माघ महीने को जल से जोड़ने का संभवतः एक और भी कारण है। इसके बाद से ही सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियों के दस्तक होने लगती हैं, इसलिए पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। कुछ दिनों बाद मार्च महीने में ही 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे भी है। मुझे यूपी की आराध्या जी ने लिखा है कि दुनिया में करोड़ों लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी को पूरा करने में ही लगा देते हैं। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। पानी के संकट को हल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से सुजीत जी ने मुझे भेजा है। सुजीत जी ने लिखा है कि प्रकृति ने जल के रूप में हमें एक सामूहिक उपहार दिया है, इसलिए इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। ये बात सही है, जैसे सामूहिक उपहार है वैसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। सुजीत जी की बात बिल्कुल सही है। नदी, तालाब, झील, वर्षा या जमीन का पानी, ये सब हर किसी के लिए है। साथियों, एक समय था जब गांव में कुएं, पोखर, इनकी देखभाल सब मिलकर करते थे। अब ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हो रहा है। यहां स्थानीय लोगों ने अपने कुओं को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। ये लोग अपने इलाके में वर्षों से बंद पड़े सार्वजनिक कुओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अग्रोदा गांव की बबीता राजपूत जी भी जो कर रही है उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की ही दूसरी महिलाओं को साथ लिया और झील तक पानी ले जाने के लिए एक नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। साथियों, उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है। क्या हम अभी से अपने आसपास के जल स्रोतों की सफाई के लिए, वर्षा जल के संचयन के लिए 100 दिन का कोई अभियान शुरू कर सकते हैं? इसी सोच के साथ अब से कुछ दिन बाद जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भी जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। हम अभी से जुटेंगे। हम पहले से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे, गांवों में, तालाबों में, पोखरों की सफाई करवा लेंगे, जल स्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही
संत रविदास जी की जयंती होती है। आज भी संत रविदास जी के शब्द, उनका ज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता है। उन्होंने कहा था, एक ही माटी के सब भांडे, सबका एको सृजनहार, रविदास व्यापी एक ही घट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। हम सभी एक ही मिट्टी के बर्तन हैं, हम सभी को एक ने ही घड़ा है। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त विकृतियों पर हमेशा खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने इन विकृतियों को समाज के सामने रखा, उसे सुधारने की राह दिखाई। और तभी तो मीरा जी ने कहा था, गुरु मिलिया रैदास, दीनी ज्ञान की घुटकी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। साथियों, रविदास जी कहते थे, कर्म बंधन में बंद रहियो, फल की नात जियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। अर्थात हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए, युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार हमारे युवा एक चली आ रही सोच के दबाव में वो काम नहीं कर पाते जो करना वाकई उन्हें पसंद होता है। इसलिए आपको कभी भी नया सोचने, नया करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह संत रविदास जी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। ये संदेश है, अपने पैरों पर खड़ा होना। हम अपने सपनों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो जैसा है वैसा चलता रहे, रविदास जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे। और आज हम देखते हैं कि देश का युवा भी इस सोच के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आज जब मैं देश के युवाओं में इनोवेटिव स्पिरिट देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं पर संत रविदास जी को जरूर गर्व होता। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। संतोष जी ने यह भी बताया है, इससे इस क्षेत्र की सैकड़ों साल पुरानी खूबसूरत कला को भी एक नई ताकत मिली है। साथियों, देश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं। आज यह एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने नमो ऐप पर गुड़गांव निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी। वे पैशनेट बर्ड वॉचर और नेचर लवर है। मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असम के लोगों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की चर्चा करें। मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे जिन्हें वहां का गौरव कहा जाता है, लेकिन मयूर जी ने काजीरंगा में वॉटरफॉल्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर असम के लोगों की सराहना के लिए कहा है। मैं ढूंढ रहा था
कि हम वॉटरफॉल्स को साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो एक शब्द मिला जल पक्षी। ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पेड़ों पर नहीं पानी पर होता है, जैसे बतख वगैरह। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अथॉरिटी कुछ समय से एनुअल वॉटरफॉल सेंसस करती आ रही है। इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदीदा हैबिटेट की जानकारी मिलती है। अभी 2-3 सप्ताह पहले ही सर्वे फिर हुआ है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175% ज्यादा आई है। इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पेसीज को देखा गया है। इनमें से 58 स्पेसीज यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहां बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। असम के श्री जादव पायेंग को ही देख लीजिए, आप में से कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे। अपने कार्यों के लिए उन्हें पद्म सम्मान मिला है। श्री जादव पायेंग वो शख्स हैं जिन्होंने असम में मजुली आइलैंड में करीब 300 हेक्टर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है। वे वन संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर प्रेरित करने में भी जुटे।